आगे है इलेक्शन। दिनों से कोरोना वायरस के काफ़ी पेशेंट रामबन में आ रहे थे, उसके बीच में ही जो ट्रामा हॉस्पिटल और हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था। उसके बाद पूरा व्यापार मंडल, म्यूनसिपल कमेटी रामबन और पॉलिटिकल जो लोग थे और साथ में जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, हम लोग भी डीसी साहब के पास गए, हमने अपना कंसर्न रखा। तो उस कंसर्न के बाद अब यानी कि ये जो डीसी साहब ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि जो पीछे उन्होंने खुद भी एक कंसर्न देखा था कि एक ही जगह पर यानी कि महिलाओं के और कोविड पेशेंट के और आउट पेशेंट्स के टेस्ट हो रहे थे, तो उस कंसर्न के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अब यानी कि रामबन ट्रामा हॉस्पिटल और हाई सेकेंडरी स्कूल में कोई भी नया पेशेंट यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम आज के बाद इस कोई भी पेशेंट यहाँ कोविड का नहीं रखेंगे। और साथ भी ये भी कर दिया उन्होंने, जो हमारी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी जो हॉस्पिटल में आती, उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी है और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था कर दी है। इसका भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी यानी कि काफ़ी खुशी हुई है कि जो धर्मोंड में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहाँ बेहतरीन फैसिलिटी रखी गई है और जो भी कोविड पेशेंट निकल रहे हैं उनको धर्मोंड में शिफ्ट किए गए हैं और 50 से ज़्यादा कोविड पेशेंट यानी वहाँ जो शिफ्ट किया, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की एक दूरगामी सोच का नतीजा है और जनता का काफ़ी कंसर्न रखा गया था क्योंकि ये हर्ट ऑफ द सिटी रामबन के टाउन के बीच में ट्रामा हॉस्पिटल था जिसके एडजॉइनिंग में काफ़ी पॉपुलेशन है। हर्ट ऑफ द सिटी बाजार के बीच में से एम्बुलेंसेज और कोविड पेशेंट्स उन एम्बुलेंसेज में आते थे और साथ ही में यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है और ट्रामा हॉस्पिटल के जुड़ते ही यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। अब ये पूरा कंसर्न जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान लिया और डिप्टी कमिश्नर साहब का हम इस तरह भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि दो दिन पहले भी इन्होंने इधर विजिट की हाई सेकेंडरी स्कूल में और साथ में ये ट्रामा हॉस्पिटल में। जब उन्होंने पूरा कंसर्न लिया तो उन्होंने ये कहा कि इमरजेंट परिस्थितियों में हमने इसको इस्तेमाल किया था, लिहाजा अब हमारे पास एक सेपरेट व्यवस्था धर्मोड़ में बन चुकी है। तो उन्होंने ये अश्योरेंस दिया यहाँ की पब्लिक को, खासतौर के वार्ड नंबर एक के लोगों को और व्यापार मंडल और प्रोमिनेंट सिटीजन्स यहाँ के लोगों लोग हैं जो ये, और रामबन को पूरे लोगों को आश्वासन किया कि यहाँ पूरी सेपरेट व्यवस्था कर दी गई है महिलाओं के लिए भी और आउट पेशेंट्स के लिए भी और किसी भी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। उनका धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब हम लोगों की ग्रीवियंस यानी कि मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में कोई भी जो डिसीजन लें कि लोगों के हित में लें और खासतौर ये भी कंसर्न और अच्छी बात है कि कुछ पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपनी बेस्ट एफर्ट कर रही है। हम ये भी चाहते हैं कि उन कोविड पेशेंट्स का जिनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट भी दिया जाए, साइमल्टेनियसली पब्लिक का भी कंसर्न रखा जाए कि कहीं इसका ट्रांसमिशन नहीं हो जाए पब्लिक में। और जिस हिसाब से अब यानी कि असर नाउ जो स्टेप लिए है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।